हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे फ़िश कोरमा। ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, खाने में तो लाजवाब लगती है। ज़रूर ट्राई करिएगा, और हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाते हैं फ़िश कोरमा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 से 5 पीसेस मछली के लिए हैं। इस पर हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, नमक ऐड कर लें फिश के हिसाब से, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको बहुत अच्छे से आपने मछली के ऊपर कोट कर लेना है, इस तरह से दोनों तरफ से लगा लें, और फिर 10 मिनट के लिए इसको साइड में रख देते हैं। 10 मिनट के बाद मैंने पैन में ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें आपने मछली ऐड कर लेनी है। फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है। यहाँ पर मछली को कुक नहीं करना है हमने, सिर्फ इस पर हम कलर ले आएंगे दोनों तरफ से। बस हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए मैंने कुक किया है। जैसे ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाए तो फिर आपने इसको पलट लेना है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसको। तो सारे पीसेस को पलट लें, और हाई फ्लेम पर दूसरे तरफ भी हमने 1 मिनट के लिए कुक कर लेना है। बस जैसे ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए तो फिर पीसेस को आपने बाहर निकाल लेना है। फिश के पीसेस को फ्राई करके कोरमे में ऐड करने से ये टूटते नहीं हैं और इसका टेस्ट बहुत एनहांस होता है। ज़रूर ट्राई करिएगा। अब दूसरी तरफ मैंने एक पैन चढ़ा दिया है गैस के ऊपर कोरमे को बनाने के लिए। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लिया है। जिस ऑयल में मैंने फ़िश को फ्राई किया था वो ऑयल भी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है, क्योंकि इसमें पूरा फ्लेवर उतर चुका है फ़िश का। और हम ऐड कर लेंगे कुछ करी पत्ता। बस ये थोड़ा सा सिक जाए तो 2 तेज़पत्ता ऐड किया है। तेज़पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ग्रेवी में। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। ये है 1 बड़ा प्याज और 1 हरी मिर्च। उसको मिक्सर में मैंने ग्राइंड कर लिया था और उसका प्यूरी मैंने यहाँ ऐड कर लिया है। इसको बहुत ज़्यादा हमने कुक नहीं करना है, बस हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए मैंने कुक किया था, जब तक इसका कलर हल्का सा इस तरह से चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए इसका पानी थोड़ा ड्राई हो गया है। अभी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर ले और हाई फ्लेम पर कुछ सेकेंड्स के लिए भून ले, ताकि अदरक लहसुन का कच्चा स्मेल इसमें ख़त्म हो जाए। फ्लेम को आपने अब इस समय लो कर लेना है, और हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ऊपर तक भर कर अच्छी तरह से धनिया पाउडर। इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। फ्लेम लो ही रखें ताकि सूखे मसाले जले नहीं। 1 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे इसकी। बस जैसे ही अच्छे से भुन जाए और ऐसे ऑयल सेपरेट होता हुआ दिखाई देने लगे तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े साइज के लाल टमाटर। उसको मैंने प्यूरी कर लिया है मिक्सर में, और वो ऐड कर लेंगे। फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर ले। बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसको हमने तब तक भून लेना है जब तक टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है। जैसे इसका पानी ड्राई होगा तो ये ऑयल रिलीज कर लेगा। जब तक वो वहाँ कुक हो रहा है तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून सूखा नारियल लिया है। आप चाहें तो गीला नारियल ले सकते हैं। 4 से 5 काजू, 4 से 5 बादाम, ये थिकनिंग के लिए मैंने ऐड किया था क्योंकि हम कोरमा बना रहे थे। और 2 टेबलस्पून यानी कि 1/2 कप दही। अगर आप फिश में दही ऐड नहीं करना चाहते तो दही स्किप कर लें और पानी ऐड करके आप उसका पेस्ट बना लें। यहाँ पर देखिए मसाला ड्राई हो गया है, तो यहाँ पर काजू बादाम और कोकोनट का पेस्ट जो मैंने बनाया था दही के साथ वो ऐड कर लिया है। इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। मैंने यहाँ पर नमक ऐड नहीं किया था तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर लूँगी कोरमे के हिसाब से। हमने फिश को मैरिनेट करते वक्त ऐड किया था तो आपने कम ही ऐड करना है। तो बस अब मीडियम फ्लेम पर इसको हम छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, जब तक ये ऑयल सेपरेट नहीं कर लेता है। ये देखिए बस ऑयल सेपरेट हो जाए तो फिर 1 ग्लास भरकर मैंने पानी ऐड किया है। आप अगर थिन रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप चेक कर लें, अगर कंसिस्टेंसी थिक है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। बहुत ज़्यादा पानी एक साथ ऐड करने से कंसिस्टेंसी का अंदाज़ा नहीं होता है। बस अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ़िश। जैसे ये उबलने लगे तो तला हुआ जो फ़िश है वो हमने ऐड कर लेना है। गैस का फ्लेम लो मीडियम कर लेंगे और 3 से 4 मिनट एक तरफ से हम इसको कुक कर लेते हैं।
तो मैंने इसको पूरा कवर नहीं किया था, थोड़ा सा इस तरह से मैंने सिर्फ छाक लिया है इसको। बस 3 से 4 मिनट के बाद इसको मैंने पलट लिया है और 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दिया था। उसके बाद आपने गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है। तैयार है सुरमई फिश का कोरमा। मैंने सुरमई फिश इस्तेमाल किया है, आप कोई भी आपका मनपसंद दूसरा फिश ऐड कर सकते हैं। और इसको मैंने गार्निश कर लिया है खूब सारे खटे हुए हरे धनिए के साथ। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो हमेशा की तरह रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।